नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। मुख्य डाकघर में 1,90,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भाग रहे युवक को जनता ने दबोचा। खबर छिंदवाड़ा से, जहां मुख्य डाकघर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक ने 1,90,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भागने लगा। एजेंट ने जैसे ही चिल्लाया तो बैग छीनकर भाग रहे युवक का लोग पीछा करने लगे और कामठी ज्वेलर्स के पास उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस घटना की जानकारी तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई और इस संबंध में बताया गया कि देवेंद्र पंडोले एजेंट है, जो कि मुख्य डाकघर में 1,90,000 रुपए जमा करने आया हुआ था, लेकिन लंच टाइम होने की वजह से वह डाकघर के अंदर ही बैठा हुआ था। तभी युवक आया और उसका बैग छीनकर भागने लगा। उसके चिल्लाने पर कुछ लोगों ने पीछा करते हुए उसे कामठी ज्वेलर्स के पास पकड़ लिया। बैग में 1,90,000 रुपए और कुछ कीमती दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है कि और कितने युवक इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। पोस्ट ऑफिस लाट जमा करने आया था, तो वहाँ बैठा था, मैडम लंच कर रही थी, उतने में पीछे कहीं से दौड़ते हुए आया, बैग उठाया मेरा, अंदर से झपटा के भागा और मैंने चिल्लाना चालू किया तो साथी लोग दौड़े और पालिका मार्केट से भी लोग बाग दौड़ना चालू किए। फिर उनको सबको भगाते हुए कामठिया लेक सामने से छेड़ी में घुसा, वहाँ गिरा तो भाइयों ने पकड़े और पकड़ के इसको लाए उठा के, तो ये बैग भी सहित पैसा सहित बैग मिला मुझे। सर उसमें 1,90,000 कैश है, रिन्यूअल का पैसा है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, लाट वगैरह हैं और इंश्योरेंस के भी डॉक्यूमेंट है, एटीएम कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह भी सब। बैग कहाँ से लाया आपका? पोस्ट ऑफिस के अंदर से। पोस्ट ऑफिस के अंदर अंदर चेयर से खींच के लेके भागा। कब की बात है? अभी 2:30 पे। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।